थोड़ा गर्म पानी मिला लेती हूँ बाल्टी में, ज़्यादा ठंडा है बाल्टी का पानी तो। आई बहुत गर्म है, चुन्नी से पकड़ के डालती हूँ। बस ठीक है, अब ठीक है, अब नहाती हूँ। पानी मैंने गरम किया है, पानी इधर ला, मुझे शेख जी को नहलाना है। क्यों, तू और नहीं गरम कर सकती? शेख जी लाए थे ये पानी, उन्होंने गरम करा। क्यों, तूने तो नहीं किया, हम पागल है, खुद तो करने से गई। उसे तो तूने रोटी भी पका के दे दी, उसे तो कुछ ना बोली। अरे तू कम बोल, तू काम चोर है, काम चोर। और वो कौन सी चोर है उसकी भी बता दे। कैसे चुप हो गई, बोल बोल, अब कैसे बोलती बंद हो गई? अरे मैं नु कह रही हूँ आराम से रह ले, वरना। वरना क्या, देख सास रही सास की जगह। ले करम जली ले जा। हाँ ठीक है। या अल्लाह, मैंने अपने बेटे के लिए बहुत बुरा कर दिया, मैं कहाँ जाकर मर जाऊँ? ओ वलिया, लिया यहाँ बैठ खाएंगे, बैठ खाएंगे आराम से। तू बैठ जा मेरे साथ, खाइए तू भी। जल्दी जल्दी खा लो, वरना वो आ गई ना बुरी शकल वाली। हाँ सही कह रही है तू, सारी क्यों बुरी शकल है, साली हर वक्त करती रहे। क्या कह रहे हो, कौन करती है खो खो? अबे हाँ वो समीर की कुतिया, मैं जब भी गली में निकलता हूँ साली खो खो करके मेरे पीछे पड़ जाती है। और तू, तुझे मना करी थी, मगर मैं बाद में खाऊंगा। हाँ ठीक है पहले नहाना है। शेख जी खाना सबसे पहले और काम बाद में करना। शेख जी पहले नहाना और बाद में खाना। अल्लाह को भी बुरा लगता है अगर खाने पैसे उठ के जाओ तो। हाँ 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 ठीक कह रही है। शेख जी अगर बगैर नहाए नापाक रहकर ही खाना खाओगे तो खुदा को बुरा नहीं लगेगा। हाँ, सही है। पहले खाना नहीं नहाना है, नहाना। पहले तो हम खाना लाए हैं, खाना तो खाना है। मैं क्या करूं? बैठ दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेख जी जब हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें नहाना है नहाना है, तो तुम्हें मेरी बेइज्जती करवाते में ज्यादा स्वाद आता है। शेख जी अगर तुम आज उठ गए ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ये लो खाओ। राम जादी, क्या बुरा हो जाएगा? तुम दोनों ने मेरे लौंडे का पागल बना रखा, पागल समझ गए? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तू चुप कर, असली लड़ाई की जड़ तो तू ही है। अरे मैंने कौन सी तुम्हारी लड़ाई करवा दी, सारे काम तो तुम्हारे मैं करूँ। अभी तू जा, मैं ही बहुत इनकी सुनने के लिए। तो यार राम जादी पूरी बेपर्दा हो रही है, बेवजह तू क्यों सुना? अम्मी तू जा जा, अम्मी जा। ओ, अम्मी को तो ऐसे समझा रहे हो जैसे खुद कितने बड़े समझदार हो। तुम नहाते हो या नहीं? तुम खाते हो या नहीं? तो ऐसा करो, तुम दोनों मुझे आधा आधा बांट लो। ठीक है, आधा आधा, 50-50। हम तो ऐसे भी राजी हैं। हाँ नबीसा कर, आधा आधा आजा। क्या, मैं क्या कह रही, तुम राजी हो? मैं मुझे क्या चीरों के बीच में से? नफीसा करा दादा, आज हो ही जाए बंटवारा। हाँ चल कर। कुछ सबर तो करो, बहुत दिन सबर कर लिया अपना, करो। आजा जो 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 जो
जान से मार दूंगा। चलो अब बहुत होगा, घर पर आ जाओ। ठीक रहा ना रुखसाना, हमें एक हो जब देखेंगे बाकी। अब किस सही सबक सिखा दिया हमने, थक लिए मार मार के इनके। रुक जा बेटा, रुक जा। अम्मी तेरे भी लगी थी क्या? अब देख अम्मी अगर मैंने उनके पट्टी ना बंधवा दी तो मैं भी तेरा बेटा नहीं। बेटा अम्मी देख वो जा रही, पत्थर ठालो ये। चल हम भी बदला लेकर, हम भी वार करते सालिन पे, बदला लेंगे इकट्ठे कर ले। हां ए यू उल्टे पत्थर खास आने लग गए। अरे अरे रुक जा, देखियो मार नफीसा। कौन सा रे डर लगा? ओए अल्लाह ये ले, ओए लग गई मेरे कमर टूट गई। हाँ तो मैं रिश्ता पक्का मानू? हाँ लड़की तो तुम्हारी है। हाँ वो मेरी बेटी है, हमारा पूरा गांव सामाजिक पढ़ा लिखा हुआ अल्लाह वाला है। जैसा आप कहोगे मेरी बेटी वैसा ही करेगी। ये नलका इतना टाइट चल रहा है, मेरे से चल भी नहीं रहा। या अल्लाह इतना बड़ा पत्थर, वो तो मेरे सर पे नहीं लगा, नहीं दूर हो जाते। ठीक है, अरे अल्लाह मर गई मर गई। दोबारा भर लेती हूँ, पता नहीं कितने ईंट मार दी मेरे। जल्दी जल्दी भर लेती हूँ, जल्दी जल्दी भरूँ, देख के भर लूँ, कभी कोई फिर दोबारा मार दे मेरे। भर लूँ इसे, जान ये क्या है? मर गया मैं तो, अल्लाह बर्बाद दिया। आ मैं तो मर गया। ज्यादा लगी भाई जान, मेरा तो सिर फोड़ दिया। तो सही अबू, क्या हुआ इन्हें? होता ही क्या, वो रोज वाली माँ भारत छिड़ गई, युद्ध छिड़ पड़ा, फोड़ दिया बेचारे का सिर। अब्बू मैं तो पानी ला रही थी, हराम जादों ने मेरे पानी में मार दिया पत्थर।
और मेरे सर पे भी लग गया अल्लाह मर गया मैं तो। अल्लाह इस गांव में तो जिंदगी में अपने किसी बेटे की शादी ना करूं, मेरा तो सिर फोड़ दिया। अब डॉक्टर के जाके पट्टी करवानी पड़ेगी। अम्मी अब मत कुछ कहिए जाके, नहीं तो और ज्यादा फोड़ देंगी। हाँ बेटा अब तू भी कुछ मत कहिए। एक अटकने कुतिया कम थी तर दूसरी कुतिया और बांध दी मेरे गले में। नफीसा मेरी समझ में ये नहीं आया, हम पे पत्थर किसने बरसा दिए? अगर पता चल जाए तो उसकी थूत ना बिगाड़ दूँ हरामजादे की। जो भी हो बिल्कुल सही कह रही है तू। अम्मी अरे बेटा मेरी मजबूरी थी। अम्मी हाँ इनके भी पट्टी बन रही है? हाँ बेटा बन तो रही है। फेर चपक दे फेर दे। चल बेटा थोड़ी एक्टिंग फालतू कर दे। अल्लाह आजान दही ना बोलिए मत ना, चुप बैठी रही है तू। ठीक कह रही है तू। आराम से मुझे मारेगा क्या? मैं तो वैसे ही फूटी पड़ी हूँ। अरे अब तो मैं समझ आ गया, झाड़ से मुंह की बेलन से मुंह की मैं समझ रही हूँ, तुझे भी और तेरी बातों को भी। अभी समझ नहीं आया? रुमा शर्मा जाओ शर्मा जाओ शर्मा जाओ, साली को शर्म कर लो। शर्म तो तुम दोनों माँ बेटे कर लो, वो ही बहुत है। चुप कर बकरी के मुंह की। मैं अब्बू अम्मी जिस आज के लिए मेरे घर में लाई थी ना, पर मेरे तो आज ही पूरी नहीं हुई। सही कह रहा मेरे लाल सही कह रहा। तो ये क्या मेरे हाथ में है, सब अल्लाह की मर्जी है। अम्मी तू ऐसे कर, इन दोनों को न्यारी कर दे सालियों को, सारी राड़ खत्म हो जाएगी। हाँ अगर तुम पे हमारी दो रोटी भी नहीं बन रही तो न्यारी हो जाओ, हम तो अपने खुद बना लेंगे। सुन रही हो बेशरम सुन रही हो? हाँ हाँ कर दो न्यारी, शेख जी को मैं रखूंगी मैं। तू ज्यादा लाड़ साहब नहीं है, मैं रखूंगी शेख जी के, अपने शेख जी को हम रखेंगे हम। अच्छा लड़ो मत, शेख खुद बताएगा के कहाँ रहना चाहे, बता रहे कहाँ रहेगा। अमित तूने मुझे कॉल दे केस में मार दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा केस हो गया। इनकी कुछ ना तू बता, बोल बेटा बोल, डरा मत मैं तेरे साथ हूँ। अम्मी तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। वो कैसे बेटा? अम्मी मैं तो तेरे साथ ही रह लूंगा। हाँ ठीक है क्या? नहीं 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 नुकसान नुकसान, मैं तेरे साथ रहूंगा। और मेरा क्या होगा? नहीं कहाँ बुढ़िया मुझसे भाग के आएंगे तो लौट के मेरे पास ही मेरा बेटा है मेरा, मेरे पास आएगा। हाँ हाँ खूब हंगे लगा ले तू भी, देखूंगी किसके पास आएगा। हाँ देख लिए सारी करामात ही तेरी है। वो मेरा बेटा है तो मैं ही करूंगी करामात। तो अब्बू क्या बात हो गई, बहुत उदास से हो? बेटी मैं उदास नहीं बहुत परेशान भी हूँ। अब्बू तुम परेशान मत हो, तुम रिश्ते वाले बुलाओ, अब की इंतजाम मैं करूँगी। बेटी जिनका पूरा गांव कुछ नहीं कर पाया तू अकेली क्या करेगी? अब्बू ये बात सुनो, कान लाओ उधर। हाँ बता। यह तो बहुत बढ़िया बात बताई तन्ने आज। अब्बू पूरा गांव परेशान है और पूरे गांव को बताऊंगी ये बात। हाँ हाँ बता मेरी बच्ची बता, यू तो बहुत सवाब का काम है। पड़े पड़े ढोंग भर रही है बुढ़िया। राम जाते तुझे तो ढोंगी लगेंगे, इतना दर्द हो रहा है मेरे सिर में। चिल्लाते में ना हो रहा तेरे दर्द, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। चुपचाप झाड़ू लगा ले। लगा ही रही हूँ मैं, ना करूँ तो इस घर में कुछ भी काम ना होवे। लगा ले ज्यादा ना बोला करते। चलो देखो घर में झांक के।
अम्मी लेट रही है, अम्मी का जोर ज्यादा लग रही दिखे इसलिए शांत थोड़ी है। दर्द तो मेरे भी हो रहा है, मेरे तो कपाल हो रहा है। ज्यादा फालतू ना बोले और नहीं यू झाड़ू तेरे पे फेर दूंगी अभी। हाँ तेरी मतारी ने यही तो अकल सिखा के भेजी है नीच घरों की। अरे तू किस धूत पिटी के चक्कर में लग रही है, इसके मुंह मत लग, चल अंदर चल चल। अरे कमबख्तो, तुम तो बहुत बढ़िया शकल की हो, है? मेरे घर का नाश कर रखा तुमने। अम्मी से पूछता हूँ अब माहौल कैसा हो गया है ठंडा। अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी अम्मी आजा बेटा, मैं तो तेरी बाट देख रही थी। मेरी बाट देख रही? हाँ। मगर अम्मी वेगांगी तो नहीं कुतिया। मरण दे बेटा, तू ऐसा कर इन दोनों को तलाक दे दे, मैं तेरा और निकाह कर दूंगी। क्या? हाँ तो ठीक बोल रही अम्मी, तू मेरी तरह से मेरा पीछा कटवा दे। पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए तलाक भी देने वाली नहीं हूँ। पर बेटा ये काम तो तेरे हाथ में है। क्या मेरा हाथ में है? हाँ। मगर निकाह तो काजी के हाथ में था। निकाह तो काजी के हाथ में होता है बेटा, पर तलाक आदमी के हाथ में होता है। ये तो ठीक कह रही है अम्मी तू। हाँ बेटा, जो औरत अपने शोर के साथ प्रेम से रहती है ना, तो अल्लाह ताला उस पे कर्म जरूर करता है। ये तो ठीक कह रही है अम्मी, बता इन दोनों पर कौन कर्म कर रहा। आवा जी, मैं अब लड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हो तो हम न्यारे न्यारे गए हैं, पर हम शेख जी की सेवा कैसे करें अब? हाँ बेटा, मुझे चक्कर आ रहा। अरे रुक जा, नींद तो मुझे भी आ रही है बेटा, तू यहाँ सो जा, मैं अंदर सो जा। ठीक अम्मी। मगर मैं सेवा करूं तो करूं कैसे? ये बुढ़िया हराम की बच्ची कुछ करने दे तो ना। मैं तो अपने शेख जी के लिए दूध लेके जाऊंगी और एकदम अच्छा सा खाना बना के ले जाऊंगी। मैं तो अपने शेख जी के लिए जा रही है बुढ़िया, जा तो रही है। अम्मी मेरे घोड़े कैसे लगाम बंधवाई थी तेने? या मेरे मौला, कैसे कैसे दिन दिखा रहा तो। आराम से आराम से चसक रही है कमर भी, चसक रही है। कहीं कहीं बुढ़िया, कहीं बुढ़िया, कहीं जाने दे जाने दे, मैं दूध उठा के लाऊं। हाँ जा लिया, मैं खाना लाती हूँ। आजा शेख जी, शेख जी लो दूध पी लो। वह क्या है ना पीसा, लो पी लो दूध लाइए, मैं तुम्हारे लिए लानी हूँ चुपचाप। ओवे इतनी गर्म लू, ठंडी कैसे हो गई आज? मेरे शेख जी कितने कमजोर हो गए हैं। लो शेख जी जल्दी खाओ। ओवे मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी शेख जी आज तुम्हें। पूरे पश्चिम से हवा चल रही है आज तो। लो शेख जी जल्दी खाओ, आ करो जल्दी जल्दी खा लो शेख जी, वरना तो हमें आ जाएगी। अपनी वहीं धर ले दो रोटी तो। मुझे भी खिला दो शेख जी। शेख जी तुम खाओ पहले, खाओ खाओ शेख जी और खाओ। अच्छा तो मेरा बना हुआ खाना खिला के लाड़ दिखा रही हो? क्या अम्मी का पका हुआ खाना? और तू तो फिर इनके लाड़ में आ गया है? एक दिन भी ना रुके गया तेरे पे? क्यों रुकेंगे, आदमी तो मेरा ही है, दूध मैं अपने हिस्से का लाई हूँ। और सुन ले बुढ़िया, रोटी भी मैं अपने हिस्से की लाई हूँ, अपने आप बना के। खसम तो मेरा है। मेरा है? मेरा है, मेरा है, ज्यादा ना बोलिए। तू ज्यादा ना बोलिए, मैंने कह दी मेरा तो मेरा है। छोड़ दे, छोड़ दे।
बचा ले, देख रही है बुढ़िया बैठी बैठी। क्या? तुम दोनों को मैं अभी बताती हूँ। वाह, फेर जंग शुरू कर दी। बजा लो ईंट, बजा लो, चढ़ जाओ कोटे में, चढ़ जाओ, कुरकुर कर रही है साली। चल चली जाओ, निकल जाओ। साली उल्टी सीधी सिकल की साली। खाना अम्मी ने पकाया, आई शेर जी खाना खा लो, हमने बनाया। अभी बैठ जा, जब तेरा खाना बनाया तू खापनी को बैठ। अरे बैठ जा, समझ में तेरी भी ना आती, और एक घंटा में निकल के आती। तो पहले आकर क्या लड़ मरती यहाँ? लड़ाई तो ना होती, रोटी खा लेता मैं आराम से। ले सटक ले, जब तूने खाना पकाया तो मुझे दे देती, खाना पका के लेट गई आराम से। तू भी तो बहुओं के लाड़ माया रहे है? तेरे पे ना सुधारी जावे वे कभी भी। सुधार की बात कर रही है, घुड़की अंदर चली गई। चली गई, मेरा लठ देख के गई वे अंदर। लठ से नहीं अम्मी, ये जुबान का असर है। सेक्सली की जुबान चलती है, मेरी जुबान के सामने कोई सी बोल के दिखा दो। हाँ बेटा, ऐसे ही जुबान चलाकर। ये तो तेरी गलती से सर फूट गया मेरा। हेलमेट उड़ गया लट्टुआ, अब देखो पत्थर कैसे लगेंगे। अरे जब्बार भाई, सो रहे हो क्या? आओ भाईजान बैठो। और भाईजान कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। अब्बू पानी लाओ या चाय बनाऊं? हाँ हाँ कटिया, पानी भी लाओ चाय भी बनाओ। ठीक है अब्बू। पूरी डे ही दुख रही है, थोड़ी देर लेट लेती हूँ। महारानी पड़ी है। ए चल पर आओ, मुझे लेटने दे। ना होती क्या कर लेगी? क्या कर लेगी, ये मेरे शेख जी की खाट है, शेख जी मेरे, खाट मेरी, चल हट यहाँ से। क्यों? तेरी माँ ने कह के भेजा था कि शेख चिल्ली के खाट पर सिर्फ नुकसाना का ही हक है, हमारा हक ना इस। अम्मी तक मजे ही नहीं तो तेरा भी मुंह बिगाड़ दूंगी। कभी ना बिगाड़े, ये देख गिलास सर के पास धर के सोई हूँ, तेरी शक्ल बिगाड़ ही दूंगी। अच्छा तेरे घर में गिलास है, मेरे घर में नहीं है। जो तुझे बता ही, हाथ में तो लगी रही आज, तुझे बता दूंगी। भाईजान आपने हेलमेट क्यों लगा रखा है? अजी वो कभी कभी हमारा पाकिस्तान से गोला बारूद आ जाए। ओबे मान जा, अच्छा पीसा, अरे चेक जी मार पीसा ना। ओबे ले मैं मारूंगी। अच्छा ये लो, बचो, कहां बचोगे? क्या गोला बारूद? गोला बारूद और वो भी पाकिस्तान से? अजी वो अजी वो तो मैंने वैसे ही पहन लिया। हां वही तो मैं बोलूं, कौन सा गोला बारूद फेंकता हमारे देश में? हाँ जी आप बताओ कैसे आना हुआ? शेख जी मत मारो, शेख जी लग जाएगी। अरे बोलना क्या था भाईजान, मैं तो रिश्ता लेकर आया था, तेरी कटिया के लिए कट्टू मिल गया। क्या कट्टू? घबरा मत बेटा, उसे प्यार में कट्टू कहते हैं, वैसे नाम तो उसका आदिल है। ठीक है काम। भाईजान क्या हुआ? भाईजान कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाईजान, आप अंदर चलो। नफीसा मार, ठीक रहेगा तुम मार।
ये ले, ये लो मां। अरे नहीं, यहीं बैठे मां ना पीसा। क्या आवाज अच्छी लग रही है, बैठे रहो तो। अच्छा साले भाग, ये ले चलो। अरे यहाँ तो बरसल लगे भाईजान, गोले बार तुम सही कह रहे थे। अरे भाईजान मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था अंदर बैठ के पी लो चाय। चलो फिर भी छोड़ो, ये बताओ पहले रिश्ते का बताओ क्या करना। अरे भाईजान रिश्ता क्या बाढ़ में, मुझे तो अपना इलाज करवाना पहले जाके। रिश्ता जाओ तुम्हारा ऐसी तैसी में। अब भाईजान सुनो तो, सुनो तो। ले भाई बेटे की किस्मत ही खराब दिख गए, जो आवे उठ के भगले। हाय तकदीर। अबू लो चाय। चावे जहर घोड़ के दे दे मुझे। या अल्लाह क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। शेख जी तो सो रहे हैं, चुपचाप निकल लेती हूँ। ओवे कहाँ जा रही है सहज में निकल कर? हैं? ये लंबो कहाँ जा रही निकल कर? ये कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? देखती हूँ चल किसके पीछे पीछे। ओवे दूसरी भी चल दी है, कहाँ जा रही है? हैं? ये डेढ़ फुटी भी गई। अरे बेटा शेख चिल्ली, शेख चिल्ली बेटा। हाँ। ये दोनों पता नहीं कहाँ गई हैं आज। अरे बेटा उन्हें देख का गली में, कभी कहीं भाग जा। अम्मी मेरे लिए तो दोनों दूध और खाना लेकर आई थी, अगर तू अम्मी बन कर रहे ना तो कभी लड़ाई नहीं होगा। हाँ बेटा हो गई गलती, चल चल उन्हें मना के लाते हैं। अरे कहीं तो मिलेंगी, चल बेटा चल। चलते चल आ जा। अच्छा बेटा आजा चल। भाईजान बिना बाइक के और बिना पैंट के और आप ये हेलमेट लगा कहाँ जा रहे हो? भाईजान आप भी लगा लो हेलमेट। मैं भी हेलमेट लगा लूँ? हाँ। क्यों? भाईजान इस गांव में पता ना कद गोला बारूद हो जा। गोला बारूद? हाँ। मैंने लगा था भाई। भाईजान लगा लो। अबे क्या बवाल है? मैंने कहा था। अबे ये क्या था? अबे मर गया। मैं तो जा रहा हूँ भाई। अबे भाई भाई मर गया, अरे मर गया। जो भी आता है बिना कुछ कहे चला जाता है। अबू तुमने समझाया नहीं था क्या? अरे कटिया मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था अंदर बैठ लो पंखा चल रहा। अबू अब मेरा क्या होगा? अबू अब मेरा निकाह होगा या नहीं होगा? कहाँ से लाऊं तेरी कत्तर बटेऊ? बटेऊ बटेऊ कहाँ है बटेऊ? बटेऊ आ जाएगा बटेऊ। कहाँ है बटेऊ? अबू अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे मिलेगा कोई बटेऊ? जो भी आता है सर फुड़वा के भाग जाता है। अब नाम मत ले, मर गया बटेऊ। बटेऊ बटेऊ बटेऊ। कटिया कौन आया था? भूपा आए थे पिछले। कहाँ गए? चले गए वो भी रोते हुए। ये तो बड़ी दुख की घड़ी है। शेख जी को और अम्मी को जाके बताती हूँ। अम्मी को और शेख जी को क्या, पूरे गांव को ही बता देती हूँ। ठीक है अब मैं चलती हूँ कटिया। ठीक है जी। जान क्या? जब बार का बटे उमर गया है? अभी सुन के आ रही हूँ। जब बार का बटे उमर गया। हाँ अम्मा जब बार का बटे उमर गया। पता नहीं रुखसाना बाजी कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई मुझे अकेले घूमते घूमते। बाजी कहाँ से आ रही हो, क्या बात हो गई? अपने घर नहीं चलोगी क्या? अरे सुन अपने घर तो लड़ाई है, दुख की बात सुन। जब बार का बटे उमर गया। सही कह रही हूँ मैं? हाँ अम्मी और शेख जी को बताना चाहिए। हमें अपना गुस्सा छोड़ के बस्ती वालों के साथ रहना चाहिए। चलो चलो शेख जी को बताते हैं। मैंने पूरी बस्ती में बता दिया और जो मिलेगा उसे भी बता देंगे। चल चलो। हाँ
जल्दी जल्दी चलो बाजी। हाँ हाँ चल रही हूँ। बड़े दुख की बात है। अब बाद में काटूंगा और। हाँ। जब्बार का बटे उमर गया। क्या? हाँ जब्बार का बटे उमर गया। चलो तो फिर वहीं आ रहा हूँ मैं। हाँ। चल नफीसा शेख जी को रम्मी को भी बताते हैं। हाँ ठीक ठीक है। चलो होकाता हूँ पहले, बाद में काटूंगा चारा वारा। नफीसा रुखसाना आवाज लगा रही है। हाँ अम्मी। अम्मी? हाँ। इधर कोई आ रही है? अब कदर राज्य से हो रही है? मुझे लगा समझौते के चक्कर में। मुझे भी ऐसा लग रहा बेटा, राजसी हो रही है ये तो। अम्मी हाँ। समझौता कर लूँ क्या? कर ले बेटा समझौता। चलो तो चलो अम्मी। चल एक बात है अम्मी, समझौता ठीक ठाक कर ले तो ठीक है। हाँ हाँ। वरना झुकने वाले तो हम भी नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं, घर की बात है, कर लिए समझौता। अब घर की है जब लठ बजे सिर फूटा, जब घर की नहीं। बाजी वो देखो शेख जी और अम्मी। हाँ चल बताते हैं चल के। अम्मी अम्मी शेख जी। अरे बेटा अपनी तो है, चल कोई बात नहीं। राजी सी तो हो रही है। हाँ शकल से तो ऐसी लग रही है। शेख जी अम्मी, शेख जी अम्मी। हाँ, शेख जी, शेख जी बड़ी दुख की बात है। की बात है? क्या बात है, क्या बात होगी बोलो। शेख जी होता क्या, जब्बार का बटे उमर गया। हाँ हाँ वही। क्या बटे उमर गया? जब्बार का कौन सा बटे उमर गया? बिचला वाला मरा, बिचला वाला। हाँ हाँ मंजला वाला। मैं तुम्हें कौन बता गया या मुंह उठा के फिर नहीं? तुझे कैसे पता लगी? उसका फूफा आया वो रोता हुआ गया। हाँ हाँ ठीक है तो अम्मी। हाँ उसके पास होगा तुम, वो तो मेरा दोस्त है, पड़ोसी है गाँव का, हमें जाना चाहिए ऐसे में। हाँ बेटा मैं भी चलूंगी, पड़ोस का मामला है। चला ऐसे कर ले। शेख जी हम भी चलेंगे, पूरा गांव गया है। पूरा गांव गया, वहाँ के दावत है, पूरा गांव गया, आराम से रह भी। अरे बेटा ऐसे में जाया करते हैं, चलो चलो। अम्मी ये वहाँ क्या करेंगे, जाके सबके तो बंदे पड़े पट्टे। अले चलो शेख जी। तो तुम क्या करोगे वहाँ जाकर, तेरे पास तहसील देनी? हाँ शेख जी आती है। तेरे पास तहसील देनी? अरे बेटा पूरी उम्र गुजर गई है। चलो तो चलो। चलो अनीप के कांगे दरबाप, हमने सुना जब बार का बटे मर गया। कही है मर गया तो मर जान दो, क्या हो गया? मतलब तुझे दुख नहीं जरा सा भी? काय बात का दुख, इसे हराम जादे को बिल्कुल भी दुख नहीं है। अच्छा ले 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 एक बात सुनिए, अरे उसका तो बटे मर गया और तुझे कह रहा मर गया मर जाएगा। जब उसे हमारी फिक्र ना आए मरेगा और क्या होगा उसका। हाँ बेकार क्या तो उसकी लौंडे ना शेख जी, ना इस हरामजादे का चक्कर चल रहा होगा। चल जी बेकार ना साले, निकारा मर गया तो मर जान दे। चलो जल्दी ना उसकी लौंडे से पता लगा देखा साला, और निकारा मर गया तो मर जान दे। सही कह रहे हो शेख जी। भाई इन पत्थर वालों ने पूरा गांव परेशान करके फेंक दिया। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया इस गांव में। भाई जब पर भाई अब रोते रहोगे, रोने से कोई फायदा ना। मैं ऊपर वाला जो करता हूँ ठीक करता, ऊपर वाले के सामने किसी की चलिए। सबर करो सबर। किस पे सबर करूँ भाई? मगर हुआ क्या, कैसे मर गया? क्या बोल रही हो तुम? जब पर भाई अब जो हुआ सो हुआ, अब ये बतलाओ दफीना किस टाइम का? क्या दफीना? किसे दफनाना? हाँ हाँ दफनाना नहीं है क्या? क्या बात है शेख चिल्ली, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रहा तू बार बार? बाल्टी सिर पर धर रखी है बेटे, ये सबकी गैल है। ये दुख सबके सामने है भैया, चुप हो जा। जब बार भाई पहले ये बतलाओ बेटे मरा कैसे, उसे दफनाना नहीं है क्या? मैं घर में सजा कर रखोगे क्यों गाँव वालो? मैं सही कह रहा हूँ गलत? हाँ भाई हाँ, दफनाना पड़ेगा। अबे हमारे कौन मरा है, किसको दफनाने आए हो बताओ? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो रहा? भाई जब बार भाई हमने सुना था ना पिछला बटे मर गया, मरा नहीं है क्या, जिंदा है? कौन बोला, कौन बोला तुमसे? ओए तो भाई यार गलती होगी देखे, पूछ रुकसाना रुकसाना बैठी नीचे बैठ। हाँ बोलो तू बतला। हाँ हाँ बता बेटी, किसने बताया तुझे? अम्मी मैंने तो इस कटिया से पूछा था,
यही कह रही थी बटिया मर गया। पिछले वाला फूफा आया था वो रोता जा रहा था। वो तो हमारे फूफा आए थे रिश्ता लेके। तुम रिश्ता नहीं होने दो किसी का। जो भी कोई रिश्तेदार आवे बस थारे हथकोड़े शुरू हो जा, उनके सिर फुटे वे हाथ लंबे हो जा। गाँव वालो हम तो हमदर्दी में आए थे, हमें माफ कर दो। रुखसाना नफीसा देख लो तुम्हारा युद्ध के चक्कर में गांव में रिश्ते भी नहीं हो रहे। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो इनसे माफी मांग लो, ये हेलमेट उतरवा दो इनके। जब्बार भाई मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों नफीसा क्यों रुखसाना? गाँव वालो मैंने तो सोच लिया आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगी। हाँ गाँव वालो आज के बाद हमारे घर से पत्थर तो क्या किसी की आवाज भी नहीं आएगी। वो कैसे बेटी है? देखो गाँव वालो आज से हमारे घर में लड़ाई बंद। क्यों खाला अब क्या हो गया? हाँ देखो गाँव वालो ये चीजें छुपती तो है नहीं, मेरी दोनों बहुए माँ बनने वाली है। अब तुम्हारे सबके पूरे खानदान की दावत है। बिरयानी वाली मुर्गे की बिरयानी बढ़िया वाली। तुम्हारे घरों में पूरे खानदान की दावत है, बच्चों की बड़ों की। भाई उतार दो हेलमेट, आज के बाद कोई पत्थर नहीं आएगा। सब उतार लो उतार लो। तो भाई हो जाएगा मेरी कटिया का रिश्ता। तो अब हम खेल लेंगे।